बच्चों द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। तो आइए आज हम होल नंबर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि 2.1 में दिया हुआ है। लेकिन 2.1 सॉल्व करने के लिए इसे संबंधित थ्योरी पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999, यानी कि 10,999 जस्ट बाद का कितना थ्री नेचुरल नंबर लिखना है, कितना थ्री नेचुरल नंबर लिखना है। तो अगर नेक्स्ट जस्ट बाद वाला नंबर निकालना तो क्या करते हैं, मान करके चले कि 1 डिजिट दे रखा है, क्या है 1 नंबर्स दे रखा है। तो अब क्या करना है, इसके जस्ट बाद वाला संख्या लिखना है। क्या करना है, जस्ट बाद वाला संख्या लिखना है। तो क्या करेंगे, 1 + 1 = 2। तो क्या आ गया, 2 जो है 1 का जस्ट बाद वाला संख्या है। यही अगर 2 के जस्ट बाद वाला संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 में 1 + कर देंगे तो कितना आ गया 3, यानी कि 3 जो है 2 के जस्ट बाद वाला संख्या है। यही अगर 3 का जस्ट बाद वाला संख्या निकालना हो या 4 का निकालना हो तो क्या करेंगे, सब में 1 ऐड करते जाएंगे। यही पे अगर कोई 2 डिजिट का संख्या दिया है, क्या 2 डिजिट का संख्या दिया है, अब क्या कह रहा है, इसके जस्ट बाद का संख्या निकालना है। क्या करना है, जस्ट बाद वाला संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, कितना गया 100। तो इसी तरह से इसका 10,999 का जस्ट बाद वाला संख्या लिखना है। सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या करेंगे, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करके कितना आ जाएगा 11,000, कितना गया 11,000। लेकिन यहाँ भी क्या कह रहा है, थ्री नेचुरल नंबर निकालना है ना कि 1 नेचुरल नंबर। तो एक तो निकाल लिए, अब सेकेंड निकालना है तो क्या करना होगा, या तो मैं यहाँ 11,000 में 1 ऐड कर सकती हूँ या फिर 10,999 में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, +2 = 11,001। कितना हो गया, 10,999 में 2 ऐड किए तो 11,001 आ गया। अब तीसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ 1 ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। फर्स्ट निकालने के लिए 1 ऐड किए हैं, सेकंड निकालने के लिए 2 ऐड किए हैं, थर्ड निकालने के लिए 3 ऐड करेंगे, +3 = 11,002। कितना आ गया, 11,002। तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 11,001 और 11,002, ये इसका फाइनली आंसर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 में राइट द 3
होल नंबर्स
और 9998 इज द before 10,001 यानी कि ये सभी जो है 10,001 का पहले वाला संख्या है, क्या है पहले वाला संख्या है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है, which is the smallest whole number, क्या पूछ रहा है कि which is the smallest whole number, यानी कि होल नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो होल नंबर तो सबको पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट का तो पता नहीं क्योंकि वह तो अनंत तक जाता है, तो जिसका कुछ पता नहीं चल पाता कि ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होगा। यहीं पे अगर कोई फिक्स रहता, यानी कि यहाँ पे मान के चलो कि 99 दिया रहता कि 0 से लेकर के 99 तक स्मॉलेस्ट नंबर कौन है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो ग्रेटेस्ट हो जाता 99 और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर थ्री होल नंबर्स आर देयर विद बी देयर between 32 and 53। तो क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, यानी कि 32 और 53 के बीच कितने होल नंबर होंगे। क्या पूछ रहा है कि 32 एंड 53 के बीच कितने होल नंबर होंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे 5 और 8 को डिजिट दे रखा है, क्या है 5 और 8 को डिजिट दे रखा है और पूछ रहा है कि इसके बीच कितनी संख्या होगी। तो ये तो छोटा सा है तो आसानी से बोल सकते हैं कि 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 आता है, तो इसके बीच 2 संख्या होगा। यही अगर कोई बड़ा डिजिट दिया रहे तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि 25 दे रखा है और हो गया फर्स्ट, हो गया सेकेंड, और 15 दे रखा है, कितना दे रखा है 25 और 15 दे रखा है, इसके बीच कितनी संख्या होगी
यह निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको दूसरे विधि, 8-5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 2। तो इसी तरह से इसको भी कर लेंगे कि 25-50 तो कितना आ जाएगा? 10। अब क्या करना है कि इसके 20 की कितनी संख्या है, इसके लिए माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। अब इसको इस तरह से लिख के देख सकते हैं, 15 तो दे ही रखा है, निकालना क्या है इसके 20 की संख्या। तो इसके 20 की संख्या को देखते कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया। तो इसी तरह से क्या करेंगे, 32 और 53 के बीच के अंतर भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 53 में से 32 माइनस करेंगे, इसके बाद 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 53 में से 32 माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। 21 आ गया, 21 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 को देखेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन 5, 6 और 7 को देखेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल द ब्यूटीफुल माइंड को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन को भी जरूर दबाएं। ओके, बाय।